ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कुछ बांग्लादेशी मुस्लिमों ने हत्या कर दी। ये घटना गुरुग्राम के धर्मपुर गांव की बताई गई है। वहीं वायरल मैसेज में कहा गया है कि कथित रूप से कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध रूप से धर्मपुर में रह रहे हैं। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। व्यूअर्स गौर करें कि सोशल मीडिया पर सुदर्शन न्यूज और सागर कुमार अक्सर गलत जानकारियां शेयर करते हुए पाए गए हैं। सुदर्शन न्यूज से जुड़े ऐसे ही एक और पत्रकार ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। घटना के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज की टीम को गुरुग्राम पुलिस का ये ट्वीट मिला, जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। एक और ट्वीट में पुलिस ने बताया कि प्रिया नामक किन्नर की सहेली ने पुलिस को सूचना दी थी कि प्रिया ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। हमारी टीम ने राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट किया। वहां के SHO ने बताया कि इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, ये एक आत्महत्या का मामला था। यानी गुरुग्राम में प्रिया नामक ट्रांसजेंडर ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकारों ने फर्जी तौर पर सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया।